हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग पेटीएम यूज़र हो और आप लोग जानना चाहते हो कि पेटीएम पे जो पेमेंट लिमिट होती है उसको अपने हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेना है। अब वीडियो से शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को पेटीएम एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं है इंस्टॉल, तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में आपकी प्रोफाइल मिलती है, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक कर लेते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा नज़र। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है UPI एंड पेमेंट सेटिंग, इस पर कि आपको क्लिक करना है, जिसके हमने यहाँ पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। आप लोग ऊपर साइड में देख सकते हो पेमेंट सेटिंग का जो आइकन होता है, इसकी सेटिंग होती है यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है पेटीएम वॉलेट। क्या मिलता है? पेटीएम वॉलेट। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, जिससे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है दो ऑप्शन, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि देखने मिलता है पेमेंट लिमिट्स और यहाँ थर्ड पार्टी ऐप्स लिंक विद वॉलेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेटीएम को जो लिमिट होती है उसको बढ़ाना चाहते, तो आपको पेमेंट लिमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट लिमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, ठीक है। इसके बाद आपके सामने देखने मिलता है मर्चेंट अकाउंट होता है, तो आपको मर्चेंट पे क्लिक करना है। अगर आप लोग यूज़र हो पेटीएम के तो आपको पेटीएम यूज़र पे क्लिक करना है। अगर आप लोग यहाँ पे सेंड मनी टू बैंक का जो लिमिट होता है उसको सेट करना चाहते तो उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मर्चेंट अकाउंट तो आपको मर्चेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखता है ऐड लिमिट, ठीक है, यहाँ पे ऐड लिमिट इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोग पेटीएम यूज़र हो तो आप लोग पेटीएम यूज़र के जस्ट राइट हैंड साइड में देखने मिलता है ऐड लिमिट्स, इस पर क्लिक कर सकते हो। और आपको बैंक का जो लिमिट होती है, बैंक की जो ट्रांसफ़र की लिमिट होती है उसको आपको यहाँ पे बढ़ाना, तो आपको ऐड लिमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को पेटीएम यूज़र की ही बताऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐड लिमिट पर यहाँ पर देखने मिलता है ऐड लिमिट्स, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, प्रोसेस वही होता है जैसे कि आपको मर्चेंट का करना है, तो आपको मर्चेंट का वही प्रोसेस होता है जो पेटीएम यूज़र का होता है, ठीक है। अगर आपको पेटीएम यूज़र कर ले तो आप लोग मर्चेंट का भी कर सकोगे और यहाँ पे पेटीएम सेंड कर सकते हो, पेमेंट सेंड कर सकते हो बैंक से, वो भी एक ही तरीका होता है, ठीक है। तो मैं अपने पेटीएम यूज़र का ही बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपना नंबर डालना है, ठीक है, जो पेमेंट करते हो किसी का नंबर डालना है। सपोज मैं अपना भाई का ही नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने नंबर डाल दिया। इसके बाद आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, जितने का कितने का आप लोगों को लिमिट को सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करता हूँ, 20,000 का ही करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है यहाँ पे मंथली लिमिट, तो आपको मंथली लिमिट को सेट करना है, ठीक है। मैं अभी मंथली लिमिट को सेट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नंबर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपना किसी का नंबर डालना जिसको आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है आपको सेव, तो आपको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे समथिंग रॉन्ग बता रहा है, तो आप लोग क्या करना है, इसको अगेन करना है और ये नंबर है इसके यहाँ पे कट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से सेव करना है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। सेव करने के बाद यहाँ पे इस नंबर पर एक OTP आता है, जो नंबर आपके फ़ोन नंबर में डाला होता है, ठीक है। तो मैं अपना फटाफट से OTP आपको यहाँ पर दर्ज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। OTP दर्ज किया, इसके बाद कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद ऐड हो जाती है आपकी लिमिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, जैसा कि आपकी मैसेज भी आता है डेली लिमिट, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे देखने मिलती है मंथली लिमिट यहाँ पे है, और यहाँ से भी आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है।
तो आप लोग अभी अभी बैक आना है और आप लोग फिर से पेमेंट लिमिट पे क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हो पेटीएम यूज़र की यहाँ पे जो लिस्ट होती है आपको देखने मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिमिट को आपको एडिट कर सकते हो, यहाँ से भी लिमिट को अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड बस यही थी आज की वीडियो, मैंने बता दिया कि पेटीएम की जो लिमिट होती है पेमेंट लिमिट को उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही थी फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।